चाहे बात की जाए मार्वल स्टूडियोज के अंदर बेहतरीन डायरेक्टर्स को फायर करने की, रूड और अनरीजनेबल एक्टर्स को फायर करने की, फॉक्स के अंदर आने वाले एक्समैन और फैंटास्टिक फोर की पॉपुलैरिटी को कम करने की, या मार्वल स्टूडियोज के अंदर घट रहे VFX की क्वालिटी की। भाई साहब, जोनाथन मेजर्स की तो कॉन्ट्रोवर्सी अभी रिसेंट और नई नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बिहाइंड द सीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हुई हैं, जो एक्चुअली मार्वल चाहता नहीं है कि आप उन्हें याद रखें। एंड डेफिनेटली यहाँ पर वार्नर ब्रोस की DC विंग अकेली ही झूठ में बदनाम है। कैसे, जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पस वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने प्राइम में डिज्नी के लिए एक पैसा छापने वाली मशीन थी, और इस मशीन को इफिशियंट और चालू रखने के लिए डिज्नी किसी भी हद को पार कर सकता था, चाहे इस मशीन के बेहतरीन पुर्जे यानी एक्टर्स और डायरेक्टर्स को रिप्लेस करना ही क्यों ना हो। और ऐसे स्पेसिफिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में 3 मौके आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहला मौका था एडगर राइट को फायर करना, जहां पर एडगर राइट मार्वल के अंदर अर्ली 2000 से ही अपनी एंटमैन मूवी को डेवलप कर रहे थे। लेकिन जब बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को डेवलप करने की आई, तो यहां पर एडगर राइट अपनी कहानी को सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर हुई क्रिएटिव डिफरेंस, जिनके कारण उन्हें यहाँ पर फायर किया गया। लेकिन वहीं पर दूसरा मौका तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस था, जहाँ पर एक्चुअली 2018 के मिड में जेम्स गन के पुराने कुछ ट्वीट्स रीसर्फेस होने लगे, और डिज्नी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी इमेज की परवाह करते हुए उन्हें फायर कर दिया, जिसका फायदा यहाँ पर एक्चुअली वार्नर ब्रोस ने उठाया, और अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन्होंने 2021 की सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर सीरीज को डेवलप करवाया। और जब तक डिज्नी ने उन्हें वापस लास्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी को बनाने के लिए वापस लाया, तब तक बहुत देर हो गई। और आज जेम्स गन की उन्हीं दो काम की वजह से वो आज वार्नर ब्रोस के अंदर DC के नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को ओवरसी कर रहे हैं। और फाइनली बात करें स्कॉट डायरेक्शन की, तो यहाँ पर एक्चुअली पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के डायरेक्टर ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को काफी ज्यादा एलैबोरेट तरीके से डेवलप किया था, लेकिन यहाँ पर डिज्नी को उनके विजन से कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा, जिसके कारण मिड प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर उन्हें सैम रेमी से रिप्लेस किया गया, और मूवी यहाँ पर उतना अच्छा क्रिटिकली परफॉर्म नहीं कर पाई। और जब बात किसी को काम से निकालने की आ रही है, तो आप यहाँ पर टेरेंस हावर्ड के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर जैसा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पहली आयरन मैन मूवी के लिए सिर्फ और सिर्फ $5,00,000 के आसपास दिए गए थे, यहाँ पर टेरेंस हावर्ड उस जमाने में एक बहुत बड़े एक्टर थे, जिसके कारण पहली मूवी के अंदर उन्हें ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन से $3 मिलियन के आसपास दिए गए थे। लेकिन जॉन फेवरी और मार्वल स्टूडियोज के हिसाब से पहली मूवी के अंदर ही टेरेंस हावर्ड के साथ काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जिसके कारण इंटेंशनली जॉन फेवरी ने सेकेंड मूवी के अंदर टेरेंस हावर्ड के सीन्स को बहुत ज्यादा कम करवाया। और ऐसे में कम सीन होने की वजह से यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने टेरेंस हावर्ड से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी सैलरी को 80% तक कम करें। वहीं पर दूसरी ओर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ऑलमोस्ट $10 मिलियन पे किए जा रहे थे। इसी बात को लेकर टेरेंस हावर्ड को हो गई चिढ़न, और उन्होंने रूडी के रोल को प्ले करने से ही मना कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर उनकी जगह पर डॉन चीडल को एज वॉर मशीन के रूप में रीकास्ट किया गया। भाई, रीकास्ट की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, और ये रीकास्टिंग तो मेन लीड हल्क एक्टर की थी, जहाँ पर ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इकलौती और पहली हल्क मूवी के अंदर एडवर्ड नॉर्टन ने ब्रूस बैनर / हल्क का रोल प्ले किया था। लेकिन जैसा कि हॉलीवुड के अंदर एडवर्ड नॉर्टन एक्चुअली काफी ज्यादा नोटोरियस हैं चीजों के इंचार्ज और इन कमांड होने के, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा ही करने की सोची थी, जहां पर वो एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क की एक ट्रिलॉजी भी प्लान कर रहे थे, जो डिज्नी के लाइकिंग के हिसाब से थोड़ी ज्यादा डार्क होती। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पर डिज्नी ने अपनी वाली ही की, जिसके कारण ही इस मूवी के प्रमोशंस तक को एडवर्ड नॉर्टन ने प्रमोट भी नहीं किया, और फाइनली एवेंजर्स मूवी के अंदर मार्क रफलो को ब्रूस बैनर / हल्क के रूप में प्रेजेंट किया गया। खैर, यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर व्हाइट वॉशिंग तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो खुद को ग्लोबली रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये चीज फैंस की नजर में आ गई, और स्पेसिफिकली दो कैरेक्टर्स द एंशिएंट वन और द मैंडरिन को कॉमिक बुक से चेंज किया गया है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जैसा कि द एंशिएंट वन एक मेल एशियन कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर इसे व्हाइट फीमेल के रूप में कास्ट किया गया। ऑफ कोर्स यहाँ पर टिल्डा स्विंटन के कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ, यहाँ पर कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से लोगों को प्रॉब्लम थी। और रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो आयरन मैन के एक बहुत ही फॉर्मिडेबल विलन द मैंडरिन को एक्चुअली आयरन मैन 3 के अंदर भी
एक व्हाइट मेल के रूप में ही कास्ट किया गया था, जो कि ऑफ कोर्स कॉमिक बुक के अंदर एक एशियन कैरेक्टर ही होता है। बट अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इस चीज को रेटकॉन किया और शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के अंदर असली मैंडरिन यानी वेनवू को सबके सामने प्रेजेंट किया। अब एक्चुअली यहाँ पर काइंड ऑफ व्हाइट वॉशिंग का उल्टा भी हुआ है, जहाँ पर कॉमिक बुक के अंदर फॉर्मली कई सारे व्हाइट कैरेक्टर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक प्रेजेंट किया गया है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली लोगों को हाइमडाल और टॉम हॉरन की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी में एमजे के ब्लैक होने से दिक्कत थी। लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम तभी तक थी जब लोगों ने इन एक्टर्स के इन कैरेक्टर्स के पोर्ट्रेयल को नहीं देखा था, और देखने के बाद ये मार्वल फैंस भी समझ गए कि इनसे अच्छा इन कैरेक्टर्स के लिए और कोई नहीं हो सकता। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फाउंडिंग एवेंजर्स का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो कैरेक्टर एक आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर है, जो फैन की फेवरेट भी है और उसके लिए फैंस के दिल में रिस्पेक्ट भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बेहतरीन कैरेक्टर पर मूवी लाने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को 2020 तक का वक्त लग गया। बट ऑफ कोर्स यहां पर मार्वल स्टूडियोज ने इसे और भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था, जहां पर वैसे तो डील हुई थी कि इस मूवी की सैलरी के रूप में स्कारलेट जोहानसन को $20 million पे किए जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें ग्लोबल बॉक्स ऑफिस का एक लार्ज चंक ऑफ पोर्शन भी मिलने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम हो गई कोरोना वायरस वाली, जिसके कारण डिज्नी को जल्दबाजी में इस मूवी को डिज्नी प्लस पर ही रिलीज करना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स इस चीज से स्कारलेट जोहानसन की पूरी कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसके कारण स्कारलेट जोहानसन ने यहाँ पर डिज्नी के खिलाफ लॉ सूट भी फाइल किया था। अल्टीमेटली डिज्नी और स्कारलेट जोहानसन ने अपने मामले को सुलझा लिया और ऑलमोस्ट $40 to $60 million के आसपास स्कारलेट जोहानसन को एक्चुअली पे किया गया था। ये सब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिज्नी को एक्चुअली फॉक्स के अंदर आने वाले फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की मूवीज को अंडरमाइन करने की कंस्पिरेसी के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर एक्चुअली जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी प्राइम पर था तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लॉन्ग साइड फैंटास्टिक फोर और एक्समैन भी एग्जिस्टेंस में थे। लेकिन यहाँ पर 20th Century Fox फॉक्स को घाटा पहुँचाने के लिए डिज्नी के वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आइजक पर्लमटर ने एक्चुअली डिज्नी के अंदर मार्वल को ऑर्डर दिया कि वो एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के कॉमिक बुक्स को रिलीज करना ही कम कर दें, और यहाँ पर उन्होंने मार्वल के अंदर आने वाले इनह्यूमंस को फोर्स करना शुरू कर दिया। यही रीजन था कि एक टाइम था जब इनह्यूमंस की खुद की मूवी बनने की भी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उसे बनाया गया एज अ टीवी शो, और यही एक्चुअल वन ऑफ द रीजंस था आइक पर्लमटर की जगह पर मार्वल स्टूडियोज की जिम्मेदारी केविन फाइगी को सौंपने की। और भाई साहब, आइजक पर्लमटर की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती, और यहाँ पर रिसेंटली इन्हें डिज्नी से बॉब आइगर ने इन्हें फायर किया था। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि डिज्नी के अंदर आखिर ये इंसान इतनी सालों तक कैसे रहा था, क्योंकि इस इंसान पर रेसिज्म का भी आरोप लगा था, जहाँ पर डॉन चीडल की रिकास्टिंग के दौरान उसने टेरेंस हावर्ड और डॉन चीडल को एक जैसा ही बोला था। और इसके बाद जब केविन फाइगी ने रेशियल और सेक्सुअल डाइवर्सिटी की बात बॉब आइगर को प्रेजेंट की थी, तो यहाँ पर इस चीज को अपोज करने में सबसे आगे यही थे। यहाँ पर वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि यहाँ पर केविन फाइगी को उनकी जगह पर मार्वल स्टूडियोज का हेड बनाया गया, और फिलहाल उन्हें निकालने के बाद यहाँ पर बॉब आइगर ये बात मानते हैं कि ये डिज्नी का एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट स्टेप था, जो उन्हें बहुत पहले उठाना चाहिए था। ये वाला इंसिडेंट थोड़ा सा रीसेंट है, लेकिन इसके चलते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक छोटा सा डेंट जरूर पड़ा है, जहां पर जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट्स को फेज 4 के अंदर पुश किया गया था, यहां पर ये तो ऑब्वियस था ही कि यहां पर वर्कलोड एक्चुअली विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा, और यही रीजन है कि कई सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट ने इसके खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया, जहां पर उनके हिसाब से मार्वल स्टूडियोज उनसे हफ्ते के 60 से 80 घंटे का काम लेता था, वो भी एक बहुत ही कड़ी डेडलाइन के साथ। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक पूरे के पूरे विजुअल इफेक्ट शॉट्स को मार्वल स्टूडियोज ने पूरी तरह से स्क्रैप ही कर दिया, और डेफिनेटली यहाँ पर अपनी चलती चलाने के लिए यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज जानबूझकर इंडिविजुअल इफेक्ट हाउसेस को हायर करता था। साथ ही साथ कई सारे आउटलेट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली इन इंडी वीएफएक्स हाउसेस को कई बार अंडर पे करता था, जहाँ पर उन्हें अपनी फीस से तकरीबन 20% कम सैलरी मिलती थी। लेकिन जो डेंट यहाँ पर जोनाथन मेजर्स ने एक्चुअली मारा है, अभी फिलहाल इसका हिसाब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लगाता ही जा रहा है,
जहां पर रिसेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैंग का रोल प्ले करने वाले जॉनाथन मेजर्स को अपनी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्हें स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने का आरोप। अब ऑफ कोर्स ये चीज कोई छोटी मोटी चीज है नहीं, फिलहाल ये केस एक्चुअली कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसका असर अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलने वाला है, जहां पर अपेरेंटली मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली ब्रिटिश एक्टर डैमसन इद्रिस को उनकी जगह पर रिप्लेस करने का प्लान बना रही है। सो गाइज, ये थे टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के और कौन कौन से बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज के बारे में जानते हैं, एंड डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।